कर दी है। इस महान पर्व को लेकर राजधानी पटना के घाटों में काफी भीड़ होती है। इसको लेकर सरकार की ओर से भी लगातार तैयारियां जारी है। आपको बता दें कैसी प्लानिंग हो रही है और क्या व्यवस्था है जिससे आने वाले लोगों को राहत मिल सके। छठ महापर्व को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग विभिन्न नदी घाटों के साथ ही तालाबों पर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करेगा। नदी किनारे घाटों के साथ ही तालाबों पर मेडिकल टीमें तैनात रहेगी। साथ ही प्रत्येक घाट पर एक एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कराई जा रही है। आपको बताते चले बिहार सरकार ही नहीं केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर फैसले ले रही है। इस मामले में कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद जिला के घाटों और तालाबों के किनारे स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए थे। आपको बताते चले स्वास्थ्य सेवाएं की ओर से सभी जिलों के सिविल सर्जन को एक पत्र भेजा गया था। इसमें जिला के दिशा निर्देश जारी किए थे कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घाटों का निरीक्षण किया। वहीं उच्च अधिकारियों की टीम ने दीघा घाट, जनार्दन घाट, पाटीपुल घाट, कुर्जी घाट, बांस घाट सहित अन्य कई घाटों का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि इस बार घाटों पर छठ महापर्व को लेकर आयोजन तो किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। आपको बता दें भाई ये भी चर्चा है कि बच्चों और बड़ों के साथ व्रतियों के लिए अलग अलग नियम होंगे। इस नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए घाटों पर सीसीटीवी के साथ वॉच टावर भी बनाए गए हैं। व्रतियों को लेकर विशेष रूप से गाइडलाइन हो सकती है। इसमें छठ के दौरान गंगा में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस बार राज्य सरकार अधिक से अधिक लोगों को घर में ही छठ करने का आदेश दे रही है। साथ ही सरकार अपील कर रही है कि लोग घर से ही छठ करें। इसके अलावा घाटों पर गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण सरकार ये फैसला ले सकती है। वहीं घाटों पर आतिशबाजी पर पूर्णतः रोक है। जिला के जल स्तर को देखते हुए बैरिकेडिंग की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें 2021 के छठ पूजा का शुभ मुहूर्त अब क्या है। हिंदू पंचांग के मुताबिक छठ पूजा कार्तिक मास की षष्ठी से शुरू हो जाती है। यह पर्व चार दिनों तक लगातार चलता है। साल 2021 में छठ पूजा 8 नवंबर को शुरू हो रही है। इसके अगले दिन यानी 9 नवंबर को खरना, 10 नवंबर को सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और अंत में 11 नवंबर को सुबह सूर्य को अर्घ देने के साथ यह पर्व की समाप्ति हो जाएगी। छठ के दौरान शहरी निकायों के प्रत्येक छठ घाट पर कैंप कार्यालय होगा। नगर निकायों के पदाधिकारियों को कैंप कार्यालय संचालित कर वहां अनिवार्य रूप से स्टाफ की प्रतिनियुक्ति करने का आदेश दिया गया है, जो छठ व्रतियों की सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से छठ की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश जारी किए। उन्होंने अफसरों को छठ के दौरान आवश्यक साफ सफाई एवं स्वच्छता की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित कराने को कहा है। डिप्टी सीएम ने प्रत्येक छठ घाट पर वॉच टावर, चेंजिंग रूम, मजबूत बैरिकेडिंग, विद्युत व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी, एम्बुलेंस की व्यवस्था और जनरेटर आदि की व्यवस्था समय से करने का निर्देश दिया है। मुख्य सड़क मार्ग से छठ की ओर जाने वाले संपर्क पथों में मरम्मत का निर्देश भी जारी किया है। आपको बताते चले कि शहरी निकाय को दी गई अतिरिक्त, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ घाट पर आवश्यक व्यवस्था के लिए प्रत्येक नगर निगम को 2 लाख, नगर परिषद को 1.5 लाख और नगर पंचायत को 1 लाख रुपए मुहैया कराए गए हैं। इस राशि का उपयोग कर सभी शहरी निकाय छठ व्रतियों की सुविधा का आवश्यक ख्याल रखें। आपको बताते चले कि सारे प्रबंध सुनिश्चित कराने की तारकिशोर प्रसाद ने मांग की है। इन सभी के अलावा उन्होंने छठ व्रतियों से अपील करते हुए कहा कि यथासंभव छठ पूजा घर पर ही करें। यदि घाटों पर जाएं तो गहरे पानी में न जाएं। इसके साथ ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे छठ के हर उस अपडेट से जो भी पटना, राजधानी या फिर देश के अलग अलग राज्यों में घटित होगी। आपको हम अपडेट कराएंगे हर उस लेटेस्ट खबर से। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल फोर्ट पिलर लाइव। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को करें लाइक, साथ ही हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।